बैठो, आप बैठो, कहाँ बैठो आप? ले ले। मेंटल फूट गया, जा रहा जा रहा। अब ना मारो, नहीं जाऊँ ग्लूकोज का बोतल लटका तो बहू चला जा। राजकुमारी जी, आपने मुझे याद किया। बुलाने का सबब ये आपका गुलाम जानना चाहता है। अरे आप सब कुछ जानते हैं और जानने के बावजूद भी आप नादानी वाली बात कर रहे हैं। अरे हम क्या जानते हैं राजकुमारी जी, तो सुनिए कि मैंने आपको किस लिए याद किया है। आओ मंत्री जी मेरे सुंदर घर के कहती हो जो इस घड़ी मेरे समझ ना और सतदेव के सामने खंजर कौन चला। तो सुनो मंत्री जी, मैंने आपको किस लिए याद किया है? किस लिए? और मेरी तकदीर को, और मेरी तकदीर को तुमको बनाना, मेरी तकदीर को तुमको बनाना। राज का ताज मेरे, राज का ताज मेरे सर पे पहनाना। मेरी जो तकदीर खराब हुई है उसे अब तुम ही बना सकते हो राजकुमारी जी। और सत्य का देवता जो सेनापति तुम्हारा है, कांपता नाम से, कांपता नाम से उसके जहां सामने उसके उठा सकता ना शमशीर कोई, सामने उसके उठा सकता ना शमशीर कोई, उसके रहते हुए चलता ना बस हमारा है। राजकुमारी जी, जब तक इस राज में सेनापति सत्यदेव सिंह है तब तक इस राज में कोई कार्य संभव नहीं हो सकता, यानी जब तक। दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलें एंड बजाते रहे शिव मनोरंजन चैनल। को जीवित है तब तक कोई कार्य हो ही नहीं सकता। हाँ राजकुमारी जी, ये बात तो मेरे समझ में आनी, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ, तो कैसे सेना पति का मरण हो दुर्गति कैसे सेना पति का
कोई ना कोई तो रास्ता होगा जिसे इस दुनिया से उसका नामो निशान हटा दिया यहाँ से। राजकुमारी जी, सेनापति सत्यदेव सिंह को मारना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वो महाराज का बहुत ही वफादार मुलाजिम है। हाँ, वो जंगल के रास्ते से सीमा बॉर्डर पर जाता है, और अगर उस जंगल के रास्ते में तुम जाओ और उसे प्यार का इजहार करो, लेकिन वो वफादार है, तुम्हारे प्यार को स्वीकार नहीं करेगा, उसके साथ जोर जबरदस्ती करो, कोहराम मचा दो, तुम्हारी आवाज को सुनकर हम सिपाहियों को लेकर तुम्हारे पास आ जाएंगे, उसके हाथ में हथकड़ी डालकर महाराज के पास ले चलेंगे, और तुम महाराज से कहकर उसे एक फांसी की सजा दिलाओ, तब ये तुम्हारा काम हो सकता है। वाह मंत्री जी वाह, क्या खूब रास्ता निकाला है, आप जैसा कहते हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। ये आप जंगले में जाएं। हाँ, मतलब जंगले में, जंगल का रास्ता जो है जंगल के अंदर की गया है, उसी रास्ते से सेनापति सत्यजीत सिंह सीमा बॉर्डर पर जाता है। सेनापति की जगह कौनो लकड़ी वकड़ी काटे वाला मिल जाए तो? अरे तो क्या, लकड़ी काटने वाले लकड़ी काटेंगे? अरे काटे तो असलाओ नहीं सार बोकला छीले ला काट सार, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है राजकुमारी जी, प्यार करें, प्यार नहीं तो प्यार, प्यार हम कहीं प्यार, वो भी नकली प्यार करना है, यानी सिर्फ प्यार का दिखावा होगा, सिर्फ प्यार का नाटक करना है। अच्छा नौटंकी? नो नो, वही समझ लो, प्यार की नौटंकी करना है, वो भी असली नहीं नकली। ठीक है राजकुमारी जी, हम जितना कहें उतना आप करें। आप जितना कहते बस मैं उतना ही करूंगी, लेकिन एक बात बताओ, क्या ये काम करने के लिए मुझे क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा, सच बताओ या झूठ? तुमका एक गुसौला मिले, चार साले। सच बताओ या झूठ, आपको क्या मिलेगा? क्या सच बताओ? हाँ बताओ, क्या मिलेगा मुझे? सच तो बताओ ना, इस हुकूमत की आधी बागडोर तुम्हारे हाथ होगी। ओ, कहने का मतलब पार्टनरशिप। हाँ, हम दोनों इस राज के मालिक बनेंगे, आधे आधे के, आधे आधे के। ठीक, हम चलते हैं राजकुमारी जी, और तुम ये काम जल्द करो, क्योंकि हम यही कहेंगे कि हमारा दबदबा था, दबदबा है, और दबदबा बना रहे। मतलब वो आधे राज के मालिक बने हैं? कौन? मंत्री जी। कहाँ बनेंगे? कहा तो हो कि अगर यह काम होएगा तो तुमका आधा राज और तुम रानी बनी हो। कौन? यहाँ के मैं राजकुमारी रहूंगी। नहीं, राजकुमारी तो हो लेकिन राज के मालिका तो बनी हो। हाँ राम बनी। हाँ, और एक बात तुम और जान लो जो शायद अभी जानते नहीं हो। अरे मंत्री जी को मैंने किस लिए बुलाया, उनसे रास्ता क्यों पूछी हूँ? नहीं, उनके बताए हुए नक्शे कदम पे मैं चलूंगी, और जिस दिन ये हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ में आई उसी दिन अच्छा से मुहूर्त देख के मंत्री जी का नामो निशान, क्योंकि हुकूमत की बागडोर की रात मलिका अकेली वारिस मैं। समझ ली, तुम रानी हमका का मिले तुम्हें? हाँ, अगर मेरा कहना करोगे, हाँ मेरा कहना करोगे, हाँ तो समझ लो तुमको यहाँ के महामंत्री बना दूंगा। पक्का? पक्का वादा करती हूँ। तो पूरे गांव को मार दो हम घोषणा सन का। और राजकुमारी वीरा
जो भी वादा करती है उसे निभा के रहती है। अरे सब रामानंद की कृपा है। भगवान का नाम है रामानंद, बहुत बड़े महात्मा है। श्री रामचंद्र जी कहो तो भी ठीक है, रामानंद का तुम जानते नहीं ना। अरे रामानंद लेखक है भैया, तो ये कहो रामानंद सागर लेखक। अरे रामानंद सागर जाऊ रामायण बनाए ले दूसरा रहे। अच्छा, और ये जाऊ रामानंद है ये महाभारत के जमाने के ही। अच्छा, फिलहाल उन्हें मैं नहीं जानती। अरे हम देखा मैं साथे रहेंगे। और तुम्हारी कितनी उम्र हो गई जो सबको जानते हो। काहे का हम कजुगे में पैदा भयो, बाकी कहाँ रही रहे। अच्छा, जौन श्री कृष्ण का रथ चलत रहा वह आखिर बड़कवा घोड़ा हम ही तो रही नहीं। हाँ तो जन्म में घोड़ा थे, जन्म में गधा बन जाओ। फिर बन तो जाए लेकिन कोई कायदे की गधा ही नहीं मिल रही। एक बात याद रखना रामबली, अब ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी को बताना। और सुंदरगढ़ वासियों से एक बात मैं कहना चाहती हूँ, क्या कि अगर किसी ने मेरे खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, अगर किसी ने बगावत करने की कोशिश की, तो मौत का दूसरा नाम है राजकुमारी बीरा। इसीलिए कहना है कलयुग का वास हो, कलयुग का वास हो और सत्य का सत्य। मोर भैया एक दिन एक देव खरी गए रहे, वो महलुआ भुआत रही या भुआत रही नहीं फिटो सार देव खरिया भाग का वही तान ये फिटा के खड़ी है। एक चीज हमारी सोच या नहीं आवत, एक राजकुमारी बीरा कही कि राजकुमारी मंजीरा कही के का तुई मुहिया कीरा कही। बताओ मंत्री का कहा था इनसे तो एक राय लीन है और जौने दिन मौका मिला नहीं कि अच्छा मुहूर्त देख के मंत्री का काम खत्म, तो हम कहा हमका कहा मिली यार ये ठीक ठाक में या देश के छिनारी हो। तुम्हारी कैसे औकात हो गई कहने की। क्या अभी क्या बोला अपने मुख से, किसे कहा, किसे कहा, वही कहा, वही मैं तुझसे पूछ रही हूँ ना। वही कहा, अरे तो अगर अगर तुमका ना निकल आता हो। किसे कहा, राजकुमारी हो दूसर मरे अगर होत ना तो एताल मार तो भैरव से ठीक रख क्या। नहीं मान लियो तुमका ना निकल आता हो। किसे कहा, अब यही कि एक कुकुर भाग के गए, अब यही के भाग के गए और साले तीन चार कुकुर पिछवाए तो वही आए हम कहा साली आ देश के छिड़ा वही कुकुरिया। अच्छा, उसे कह रहे थे। आओ एक समझ तू नहीं ना पहुंचा तो हैरान कर हाथ पीटे लाग। मैं समझी तुम मुझे कह रहे हो कहा हम खिलार कैसे आप भैया की राजकुमारी हो भाई तो हम आपका कहते। अगर एक लफ्ज उल्टा निकला ला, ला, तो याद रखना राम दुहाई राम दुहाई। ऐसा मार मारूंगी ना कि कभी बेटा मरवाए भी नहीं होंगे। यह इतना बाकी राम बली। हाँ। याद रखना, यादव रखेंगे, यादव नहीं याद रखना। हाँ, याद रखना। इसीलिए तो कहना है, इसीलिए तो कहना है कलयुग का राज हो, कलयुग का राज हो और सत्य का सत्य। यार ही जगह जानो सुनत रही हुई सैली माल ले गए। अरे मारिन तो मारिन मलो उनके मुहल पर उनका कुकुर बनाए दी। कहाँ एक ही कुकुर गए को देखी थी। अरे यार यहाँ कुकुर है गांव में नहीं ना, लेकिन उनके मुहल पर उनका कुकुर बनाओ। अब इनका और बनाओ खाली सुनत रहो। हाथ
हमका तो कहे तुमका मंत्री बनाऊ में। अच्छा कहा तुमका सबका विश्वास है कि हम कहे मंत्री बना दे। जब ये मंत्री का कहा था मुहूर्त देख के काम खत्म, तो कहो रानी बने तो हमका तुरंत ही बिरू अड्डा। अरे हाईजन के जाए इनके साथ है राव, हम करना चाहिए मंत्री के पास। हमें टहल जीवन में की न करब। पवन डीजे लाइट हाउस स्वीट हाउस उमरन, पवन डीजे स्वीट हाउस उमरन, जिसके प्रोवाइडर है भैया हमारे मिठाई लाल। अगर लाइट की जरूरत है या खाना मीठा बनवाना है या आ गई है, अरे आवाज तिवारी की आवाज तिवारी और गजब जमाना आवाज तिवारी। कोहिका छोड़ी कोहिका गाई और चोर चोर मौसिया भाई, कोहिका छोड़ी कोहिका गाई और चोर चोर मौसिया भाई। और परम भोजिया पूर्ण होई और जब तक चोर भय भंडारी और गजब जमाना। बिहारी लाल हम लोग राजमहल से बॉर्डर के लिए निकले, उत्तरी बॉर्डर तो खैर ठीक है, आओ हम चलते हैं दक्षिण वाले बॉर्डर। ठीक है हुजूर, लेकिन दक्षिणी बॉर्डर की तरफ चलेंगे लेकिन उधर का रास्ता कुछ साहब शायद गड़बड़ है। रास्ता गड़बड़ है, देखिए छत्री वैसे रास्ते से नहीं चलते। जी तो ऐसी बात है जी। बस संसार में दो ही लोगों के लिए तो टेढ़े रास्ते होते हैं, सांप और छत्री के लिए। जी जी ना, बराबर होते हैं उनके लिए। लेकिन सहयोग चाहिए, तू रास्ता थोड़ा बताएगा हम लोग निकलते रहेंगे। मेरा पूरा सहयोग। लेकिन इस जंगल में देखो कितनी अच्छी अच्छी चिड़िया चिड़िया चहक रही है। जी हाँ, जंगल तो है, तरह तरह की चिड़िया बोल रही है, कोयल मोर पपीही है ना, जी तमाम तरह के। आओ चलते हैं। कैसे बोल रही है और बगिया में को हो बगिया में को हो Yeah।
मालती के अचला से उपजाग सुनवा खुरप कुटरिया से केले आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलें एंड बजाते रहें शिव मनोरंजन चैनल। हम कुछ कहना चाहते हैं साहब। क्या कहना चाहते हो? बात ये हुजूर कि इस बॉर्डर से पार होकर आप उस वाले दुश्मन वाले बॉर्डर पर जा रहे हैं। हाँ। जंगली रास्ता हम आपको पार करवाने के बाद जैसे आप बॉर्डर की तरफ पहुंचेंगे हम वहां से लौट कर राज दरबार चले जाएंगे। क्यों डर लगता है? नहीं डर नहीं हुजूर, फिर हमें राज दरबार महाराज के पास रहना, महाराज की सेवा करनी, और अगर हम यहाँ रुक जाएंगे तो फिर महाराज की सेवा। बहुत पक्का वफादार है बिहारी लाल। तो ठीक है जाओ, यहीं से चले जाओ। जी हाँ जाओ जी। सुनकर बहुत अच्छा लगा। क्या हो रहा तुम्हारी जी? कुछ नहीं, देख रही तुम्हें गौर से, तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी हूँ कि तुम बहुत वीर हो, होशियार हो, समझदार हो। देखिए राजकुमारी जी, हर राज्य का एक कानून होता है, हर राज्य की एक व्यवस्था होती है। सभी राजाएं अपने अपने राज्य में एक एक मंत्री, एक एक सेनापति, जहाँ जिस जगह की जरूरत होती है उस जगह के वहाँ कर्मचारी होते हैं। अच्छा, इसी तुम्हारी वीरता पे एक बात मुझे याद आ गई, अगर आपको बुरा ना लगे तो कहो मैं इजहार करूं। देखिए अगर बुरा लगने वाली बात होगी तब बुरा लगेगा, और अगर नहीं होगी तो क्यों बुरा लगेगा। अब फिर बात ये भी है कि आप राजकुमारी हैं, चाहे जो भी कहेंगे सुनना तो मुझे पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ हो, बात ऐसी करूं जिससे आपको भी आनंद आएगा। तो सुनिए, और देख तुम्हारी वीरता दिल से हूँ मजबूर, और तेरी देख करी छाया मुझे। हो कर के मलका मेरी कैसी कर दी, कैसी बातें करे। और हाँ, तुम्हारी शमशीर को देखकर ना मुझे डर लग रहा है, थोड़ा इसे निकाल के बाहर रख दीजिए। शमशीर को? हाँ। देखिए जंगल का मामला है, इसलिए हथियार तो रहना चाहिए। अरे पास में रखो, दूर मत रखो। ठीक है ठीक है।
सेनापति जी, अब मेरी बात को आप गौर से सुनिए और इनकार मत करना। क्यों क्यों? आपने कहा ना कि आप जो कहोगे वो मैं करूंगा। देखिए ये बात आपका आपकी बात बहुत अच्छी है, लेकिन जो आपने कहा इनकार मत करना, ये तो बंदर घुरकी होती है बेटी। ऐसी बात नहीं, आप सुनो मेरी बात। और वजल का जान मुझे, और वजल का जान मुझे अब तो पिला दो। राजकुमारी जी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? जब से तुम्हें देखी हूँ ना जाने मुझे क्या हो गया है, ना खाना अच्छा लगता है ना पीना अच्छा लगता है। अरे यहाँ तक कि सोती हूँ तो सपने में तुम ही तुम आते हो मेरे। बेटी ए बूढ़ा चुप बोल रहो। नहीं बेटी, ये तुम्हारा सोचना सब गलत है। पहली बात तो मुझे बेटी मत कहिए, और ये बेटी शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे बेटी की जगह एक बार प्यार से सुना। और हो तुम्हारा हो तुम्हारा गमारा नहीं, लेकिन एक बात जो मैं कहती हूँ उसे प्यार से समझो। कहते ना पहले सोचो फिर समझो। अगर मेरा कहना तुम मान लोगे तो इस हुकूमत के महाराज कहलाओ। मुझे
महाराज की जरूरत नहीं, इसलिए कि इस हुकूमत में महाराज हैं और दूसरा महाराज तैयार हो चुके हैं। ये क्या है? मेरी बात सुनिए। अरे उड़ा ला मौज राजा, अरे मोर राजा। Oh,